ये बिहार है साहब, हमारा बिहार, आपका बिहार, और सबसे जरूरी कि सुशासन की सरकार वाला बिहार, जहां हमेशा बहार रहता है। अगर कोई ड्रग्स की तस्करी करते पकड़ा जाएगा तो उसके लिए हमारे और आपके नेताजी नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों को तब तक चैन की सांस नहीं लेने देंगे जब तक अपराधियों को छोड़ नहीं दिया जाता। हमको एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि अगर समाचार पत्र में लिखा जा रहा है कि कोई तस्कर पकड़ा गया और उसको छुड़ाने के लिए किसी बड़े जनप्रतिनिधि का अधिकारियों को फोन जाने लगा और उसके बाद वह तस्कर थाना से गायब हो गया, तो उसे फरार होना क्यों कहा जा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि पुलिस ने उस तस्कर को पूरे इज्जत के साथ वहां से विदा कर दिया और निर्देश दिया कि तुम फरार हो जाओ, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। आखिर साहब लोग देखेंगे कैसे नहीं? हाँ सही बात है, जब खाकी ने अपने जमीर को खादी के सामने बेच दिया है तो उसके सामने सर झुकाकर हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। ये तस्वीर देखिए, देख लिए ठीक, अब दूसरा वाला देखिए, बस अब आखिरी वाला है वो भी देख लीजिए। साहब हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और करेंगे भी क्यों नहीं, आखिरकार भागलपुर के डिप्टी मेयर के पूर्व चालक जो है, ध्यान से सुनिएगा कि साहब डिप्टी मेयर के पूर्व चालक ही है ऐसा कहा जा रहा है, आप कुछ दूसरा मत सुनिएगा। वैसे बिहार में तस्करी के मामले होते रहते हैं और इतने ज्यादा मामले आते हैं कि इसे अब हम सब एक आम घटना मान चुके हैं, लेकिन जब तस्करी होती है और उसमें राजनीतिक शक्ति की हनक दिखाई देती है तब बोलना जरूरी हो जाता है। उस समय बोलना और जरूरी हो जाता है जब किसी अपराधी को पुलिस द्वारा जानबूझकर भगाया जाता है और अखबारों में लिखा जाता है कि अपराधी भाग गया। अरे ऐसे कैसे अपराधी भाग गया? सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि वही अखबार जो लिखता है कि अपराधी को छुड़ाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि के तरफ से बड़े अधिकारियों को फोन जा रहा था, वही लिख रहा है कि अपराधी भाग गया। हालांकि जानता सब कोई है कि अपराधी भाग गया या भगा दिया गया। खैर पूरा मामला हो सकता है कि कुछ लोग जानते हो और कुछ लोग अभी अनजान हो। तो जान लीजिए कि भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर के साथ तीन अपराधी, मतलब कि तस्कर, पकड़े जाते हैं। मामला शनिवार देर शाम की है और सबसे बड़ी बात कि तीनों तस्कर रंगे हाथ पकड़े गए थे। पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर जोगसर थाना ले गई। इसके बाद पूरा खेल शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों तस्करों में से एक तस्कर वहां के डिप्टी मेयर का ड्राइवर था। हालांकि था शब्द को लेकर काफी कंफ्यूजन है और आप भी समझ रहे होंगे। जानकारी के मुताबिक तीनों तस्करों की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से बड़े अधिकारियों के पास फोन जाने लगा। फोन से लगा कि काम नहीं होगा तो कुछ ऐसे लोग पैरवी लेकर थाना भी पहुंच गए जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि से जुड़े हुए हैं। पुलिस की तरफ से भी शुरुआत में मामले को छुपाने का भरपूर प्रयास हुआ और पूरा मामला सामने तब आया जब एक तस्कर थाने से भाग चुका था या फिर भगाया जा चुका था। पूरी कहानी भी सुन लीजिए। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवान जिनका नाम मनोज कुमार सिंह है, उन्होंने श्याम तुरी जो तस्कर फरार हुआ है उसे शौच के लिए हाजत से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि जब होमगार्ड के द्वारा वापस हाजत में ताला लगाया जा रहा था तब उसी समय श्याम तुरी ने उन्हें धक्का दे दिया जिसके कारण उनका संतुलन बिगड़ा और वह भागने में कामयाब हो गया। हालांकि हमारे पुलिसकर्मी भी इतने चुस्त दुरुस्त हैं कि उन्होंने उसका जमकर पीछा किया, लेकिन बदकिस्मती से वो भाग निकला। अब पिछले दो दिन से पुलिस तस्कर को ढूंढ रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है और इसी बीच फरार श्याम तुरी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब अंत में सबसे जरूरी सूचना देनी है कि भले तस्कर की फोटो भागलपुर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की गाड़ियों के साथ है और उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, लेकिन मौजूदा समय में राजेश वर्मा जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वे तो खुद पुलिस को मदद करने की बात बोल रहे हैं। बाकी आप इतना समझदार तो है ही कि सब खेला समझ जाएंगे। वैसे बिहार में बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। बस दो दिन पहले बेगूसराय में इंडियन ऑयल के टैंकर से 1400 किलो गांजा पाया गया था। हो सकता है कि इसका उपयोग कहीं ईंधन के रूप में होना होगा। बाकी सब कुछ ठीक है। अब भागलपुर वाले मामले में हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द जानकारी देगी कि तीसरे फरार किए गए अपराधी को वापस पकड़ लिया गया है। आगे जो कुछ खबर आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।